ए बुढ़िया फड़े गए क्या? ए बुढ़ी बुढ़ी, ए बुढ़िया कहाँ आ गई? भाग मत, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। गैनी गैनी गैनी, ए गैनी, तेरा नाम मैं ग्रैनी से गैनी रखता हूँ। आ इधर आ, ऐसा मारूंगा ना मुंह पे। आ आ आ, इन डांस मत कर, इधर आ इधर आ। लगता है गैनी आज पी के आई है, मेरा मतलब पानी। तो हेलो 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 भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। मैं हूँ काला कौवा और आप देख रहे हैं मिशन काला कौवा ग्रैनी द गेम प्ले एविल नन पार्ट वन। ये काला कौवा नाम मैंने गेम में रखा है, वरना आप भी मुझे काला कौवा बोलोगे। भाई मेरा नाम रोमियो है, रोमियो ही बोलाना। बेसिकली इस गेम में क्या होता है कि एक लड़का रहता है और उसके माँ बाप उसे एक स्कूल में भेजना चाहते, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो जहाँ भेज रहे है वो कैसी जगह है। अब आप ही देखो ये कैसी जगह है, पूरी सुनसान अंधेरी हवेली की तरह ये जगह है, लेकिन मुझे वैसा कुछ दिख नहीं रहा। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो उसे छोड़ो और हम फटाफट से सीढ़ी के ऊपर चले जाते और बूढ़ी अम्मा के आने से पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते। क्या है भाई ये, सभी तरफ कमरे ही कमरे नजर आ रहे, लगता है इसे केबल लगाना पड़ता है। चलो हम केबल ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। तो ग्रैनी ग्रैनी मत आ ग्रैनी, वरना तुझको मार दूंगा। ग्रैनी मत आ ग्रैनी, तुझे पता नहीं ग्रैनी हम कितने खतरनाक आदमी है। तो ग्रैनी ए ग्रैनी, हम इतने खतरनाक है कि ग्रैनी को देख के डर जाते और भाग जाते। ग्रैनी सुना ही होगा तुमने मैंने क्या कहा, तो अब मत आ ग्रैनी। यहाँ लगता है एक कमरा है। ये क्या है भाई, क्या है, कितने सारे डिब्बे यहाँ पे पड़े हुए। लगता है इसकी आवाज़ सुन के वो ग्रैनी आ जाएगी। तो ठीक है हम इसकी आवाज़ करते हैं, शायद वो आ जाए। मुझे लगता है ग्रैनी यही आ रही है क्योंकि मुझे उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। आ गए आ गए आ गए, भागो 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 भागो। वैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसकी स्पीड हमारी स्पीड से कम है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। चलो हम भी जाते हैं, पता नहीं वो क्या कर रही है। ग्रैनी ग्रैनी, ओ भाई साहब ग्रैनी मार दिया। मार, तुझे यही मारना था, पागल गई की। मुझे लगा ग्रैनी मेरे पीछे पीछे आ रही है, लेकिन ग्रैनी उसी जगह खड़ी थी और मुझे मार दिया। तो फिर से हम आ चुके हैं उसी जगह पे और यहाँ पे जाएंगे हम खड़े होके फिर से, और यहाँ खड़े होके फिर से जाएंगे और आगे भी जाएंगे फिर से। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, क्या फिरेरा फिर लगा रखा है इसने। चलो तो हमने यहाँ पर वायर लगा दिए और चलेंगे हम नीचे, लेकिन ग्रैनी ना आ जाए हमारे पीछे पीछे, इसी बात का डर मुझे खींचे। तो चलो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे नीचे और फटाफट से बाहर का रास्ता ढूंढे। यहाँ पे मुझे गुफा जैसा कुछ दिख रहा है, ये विंडो को खोल के देखते। खुल गई खुल गई, यहाँ पे आगे जाते। ओ ग्रैनी ग्रैनी, ओ भाई 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 साहब क्या है। चलो नहीं आ जाएगी। ओ भाई नीचे भी सो के आ रहे हैं भाई, ओ लेट के आते हैं ग्रैनी। ओ भाई साहब क्या है, मतलब कुछ भी और कैसे भी करती है ग्रैनी। ओ भाई साहब क्या है, क्या मजाक लगा रखा है लिटरली। भाई साहब कितनी जोर से चिल्लाई है ग्रैनी, मेरे कानपुर में हड़ताल कर दी है। चलो तो हम यहाँ पे छुप गए हैं, शायद यहाँ पे ग्रैनी हमें नहीं देख पाएगी। तो हमने यहाँ पे हवाई डंडा ले लिया है ताकि ग्रैनी आए तो हम उसके मुंह पे फेंक के मारे। इस बटन से शटर खुलता है, लगता मैंने बहुत आवाज़ कर दी। अब मुझे इतना तो समझ आया कि ये बटन दबाने से ऊपर का गेट खुलता है ताकि हम वहाँ जा सके। तो चलो फटाफट से हम ऊपर चले जाते हैं ताकि नन हमारे पीछे ना आए और हमें पकड़े ना, कहीं नन हमारे पीछे ना आ जाए। इस डंडे का क्या करूँ, मैं सिलेंडर को फेंक देता हूँ और चलो फटाफट से ऊपर चले जाते। मेरे हिसाब से वो गेट अब खुलना चाहिए, शायद खुल गया या नहीं। अच्छा अच्छा खुल गया खुल गया। चलो तो यहाँ हम आ गए, जाते दरवाजा खुलते है, क्या है पता नहीं इसमें। चलो तो डोर बंद कर देते हैं। या क्या है, वाह की यहाँ पर की मिल गई, लगता है नीचे काम आए। चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं, अब बिना देर के नीचे चले जाते हैं। लगता है आगे सोफे पे कुछ पड़ा है, शायद काम की चीज़ है, ये तो कोई नहीं, चलो काम आ जाएगा। चलो नीचे जाते हैं फटाफट से, फिलहाल के लिए रास्ता तो पूरा क्लियर है। तो इस मौके का फायदा उठा के हम फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। आगे एक गेट है, इस गेट से जाना पड़ेगा, लगता है शायद मिल जाएगी ग्रैनी। ग्रैनी ग्रैनी पीछे आ गई भाई, ये बुढ़ी औरत तो मेरा पीछे नहीं छुड़ रही, कहीं नहीं कैसे आ रहा है भाई, क्या हो भाई, यो भाई ग्रैनी आई भाई, क्या हुआ यहां। इसे देख के मेरी पूरी आवाज चेंज हो रही, कहीं मैं ना चेंज हो जाऊँ कैसे भाई। चलो आगे एक कबड़ मिला, इस कबड़ में पहले छुप जाते हैं। चलो चलो भाई चलो बंद हो जा। अरे भाई बाहर से नहीं भाई, क्या कर रहे तू, खुल जा खुल जा खुल जा, सिम सिम बंद हो जा भाई इतना। तो फिर से हम आ गए, लगता है अब वो चली गई, मतलब वो नन की बात कर रहा हूँ मैं, नन चली गई। चलो तो फटाफट से निकलते, शायद आगे कुछ पड़ा है, क्या है भाई ये। अरे कितने पैसे मिल रहे हैं भाई, शायद बचूंगा तभी तो ये काम आएगा ना। नहीं ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अशुभ नहीं बोलते। आगे तीन तीन डोर्स पड़े है, बड़ा दरवाजा खुला है, क्या पता किस से जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बड़ा वाला खुलना चाहिए, ये तो खुल नहीं रहा ये आगे का। चलो देखते हैं क्या होता है। भाई ये खुल गया, और आगे क्या है, ये तो पूरा पैक है, यहाँ पे जा नहीं सकते हम। लगता है इधर क्रोबार वगैरह की इसकी ज़रूरत पड़ेगी, शायद हमने नीचे क्रोबार देखा था, मेरे हिसाब से सीढ़ी के नीचे देखा था हमने। तो चलो फटाफट से हम उसे लेके आते। तो यहाँ पे हम क्रोबार लेके आ चुके हैं, अब फटाफट से इसे खोलते हैं, ये खुल गया। अब चलो अब फटाफट से जाते हैं नीचे। अरे मैंने की कहाँ रख दी, यही तो रखी थी मैंने, लगता है इसके नीचे। हाँ मेरा शक सही निकला, इसके ही नीचे। लेकिन भाई साहब इसे हटाएंगे कैसे, इसे हटाएंगे तो ग्रैनी आ जाएगी, इसका बहुत आवाज़ आता है, पहले साउंड बहुत है इसका भाई, ये अभी तो साउंड कर रहा है, ये बुढ़िया नहीं आ जाए। बस थोड़ा सा बच गया है, अभी निकलने वाले है,
निकल 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 निकल। चलो तो फिर फाइनली निकल गई चाबी हमारी, हमें चाबी मिल गई है। लगता है नन पीछे ही है भैया, क्या करे, कहीं वो हमें खा ना ले। बस कहा चुकू भाई, ये आगे कुछ है लगता है इसमें। हाँ चलो चलो चल, बंद हो जा बंद हो जा भाई, अब तू बंद हो जा। एक खतरनाक पैर किसके, रे बाबा मुझे दिख रहे है मत आ, या तो नहीं आ सकती तू। ओ भाई गया काम से भाई साहब, ये दरवाजा भी खोलती है कैसी भाई ये। चलो हम आ गए नीचे, बस वो नन ना आ जाए अब इस बार हमारे पीछे पीछे भाई। चलो हमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, मेरी की लगता है इधर ही है। चलो तो मिल गई हमारी की, और हम इसे लेके अब पटापट से चले जाते हैं। आ जा की जल्दी आ जा हाथ में जल्दी। तो चलो हम निकल जाते हैं भाई पटापट, खुल जा भाई जल्दी से। चलो ये भाई क्या है, तो इधर तो नदियां बह रही है क्या है, तीन रेड एक ग्रीन, शायद हमें ग्रीन से जाना पड़ेगा। ए भाई ओ लगता है मैं ट्रेन में आ गया हूँ, कितना फास्ट है। इधर हम रुक गए, लगता है ऊपर रास्ता है। चलो तो एक रास्ता तो हमें मिल गया। ये मैं कहाँ आ गया, कहाँ जा रहा हूँ मैं, मुझे भी पता नहीं चल रहा मैं कहाँ आ गया कहाँ जा रहा हूँ। तो ये डोर बंद कर लेते हैं ताकि वो आंटी नहीं आए। चलो तो हमारा डोर बंद हो गया है, अब ग्रैनी नहीं आएगी। अरे ये क्या है, खजाने जैसा। ओ तो ये लॉक खुल गया, वही तो बोलूं मैं कि इस चाबी का क्या काम है। तो ये बकेट शायद हमें बुड्ढी की टकले में डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे और कॉइंस मिल चुके हैं, लेकिन अब मुझे जाना कहाँ है। अरे आगे ग्रैनी, ओ इधर है, अरे गया मैं काम से। अब बच गया भाई, बच गया, बहुत बहुत बच गया। बच्चे की जान लोगे क्या, पता नहीं इस वैन में कौन है तो, लेकिन हमें छुप कर रहना पड़ेगा, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलो मैं डरता नहीं तुझसे, आ जा इधर। अरे ये कौन है, ये नन है क्या, तो उसकी बहन वगैरह। लगता है हमें बकेटे गाड़ी में डालनी पड़ती है। ये क्या हो गया, ये पेंट, ये मैंने क्या कर दिया, पेंट इसमें डाल दिया, ये क्या हो गया भाई मेरे से। अब टकली मुझे नहीं छोड़ेगी लगता है, अब गया मैं काम से, वो मुझे मारेगी। कोई बात नहीं, मार तो खा लूँगा, लेकिन घर जाना है मुझे, घर तो जाके ही रहूँगा। चलो तो यहाँ पे मैं छिप छिप के देखता हूँ वो क्या करती है, तो बाकी काम बाद में करेंगी, क्या करना है। तो 2000 years later उस बुड्ढी का थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पे रुक के, और जैसे ही वो वैन चलाने के लिए आए, जैसे ही हमें एस्केप करना पड़ेगा, वो आ गई। लेकिन वो क्या कर रही है, हाँ अच्छा अच्छा समझ में आया, वो आ गई। चलो 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 भागते हैं जल्दी, गाड़ी में बैठ जाते। रुक बुढ़िया मैं आ रहा हूँ। कितनी जोर से बजाती है भाई साहब, मेरा दूसरा कान भी फट गया। ए रुक रुक रुक, अरे मुझे आने दे रुक। ए भाई साहब चले गई है भाई। गाइस अभी मुझे समझ में आया कि क्या करना पड़ता है, वो इसमें वैन में तीन डब्बे थे इसलिए हम वापस जा नहीं पाए। चलो यार छुप जाते ताकि नन हमें देखे ना। मैंने वहाँ बहुत बड़ी गलती की, मुझे वहाँ पर वेट करना चाहिए था जबकि वो तीन बॉक्स वो निकालने लेती, लेकिन उसे मैं पहले ही दिख गया था इसलिए वो भागती भागती चले आई थी। अब मुझे समझ आया कि क्या करना। चलो तो नन चली गई है, हम बाहर निकलते हैं यहाँ से और आगे का सीन देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे कुछ कीज पड़ी है, चलो हम इसे लेते हैं और फटाफट से चलते हैं देखते हैं। तो हम यहाँ पे मेन गेट की तरफ आ चुके हैं जहाँ से वो वैन आती है, वो आ गई वैन। अब मुझे यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा वो वैन जाने तक, ये जा रही है पीछे। अब दोबारा से मुझे वही करना पड़ेगा तो मैंने पिछली बार किया था, बस अब बुढ़िया का बॉक्स निकालने का इंतजार है। नीचे शायद कोई तो भी है क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही है भाई साहब, देखते हैं नीचे कौन है। तो वापस चल भाई चल, ए लगाया था मुझे लगा था ही, ओ ऊपर आ रही भाई। चलो कहाँ जाओ कहाँ छुपो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ छुप जाता हूँ यहाँ छुप जाता हूँ, यहाँ नन नहीं आ पाएगी मुझे पकड़ने के लिए, मुझे पकड़ो। ओ नहीं भाई मार, तुझे मारना ही है मुझे, मार डाल। तेरे घर का क्या पानी पिया था मैंने जो बार बार मुझे मार रही है, दांत वात घसती नहीं आई मुझे मारने, अब हमें वही करना पड़ेगा वापस से। तो हमारी वैन आ चुकी है वापस से यहाँ, ये हमारी वैन नहीं है लेकिन मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ उस पर, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी वैन है। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उतर गई है बुढ़िया। चलो हम पे जाने पड़ गया, बूढ़ी तो नहीं आ रही है, चलो ठीक है नन नहीं आ रही है तो फिर हम जाते हैं या निकल लेते हैं जल्दी फटाफट से, और अब हमें कोई गलती नहीं करनी है जैसे कि हमने पिछली बार की थी। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ। चलो तो वो आ चुकी है, अब बस इंतजार है उसे बॉक्स ले जाने का। अरे ये क्या है, वो तो बॉक्स रख रही है वैन में। चलो कोई बात नहीं, वो बॉक्स रखे या फेंके हम क्या है, हमें तो जाने आ रही है। चलो चलो फटाफट, नहीं ये तो यही है, हाँ लगता है, हाँ बैठना बैठना पड़ेगा, हाँ अब तो जान में जाना ही। लेकिन ये मुंह में पान रख के क्यों भाई, ये हंस रही है रो रही है। लगता है गाइस अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमने लगभग सारा काम कर लिया है, अब ये वैन में आएगी और हमें ले जाएगी। तो ए पान वाली बुढ़िया जल्दी आ हमें लेके जा। चलो फाइनली इसने डोर बंद कर दिया है और हमारा मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो गाइस बहुत मुश्किल था लेकिन हमने कर दिया। तो अभी तक जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक कर दे, और जो चैनल पे नहीं है वो सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।